सेकंड वाले पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है माइनस का मोड एक्स प्लस वन प्लस का थ्री, ठीक। तो देखिए अगर मैं सिर्फ माइनस का साइन छोड़ दूं, एक्स प्लस वन की बात करते हैं, तो ये जो वैल्यू देगा ना जीरो से बड़ी देगा या जीरो के इक्वल दे सकता है, मोड वाला है ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मैंने इसमें दोनों तरफ माइनस कर देता हूं, मतलब मैंने इसे निगेटिव कर दिया, सपोज कीजिए टू इज ग्रेटर देन जीरो है, अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया तो ये जीरो से छोटा हो जाएगा। अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया ना इससे पहले, तो अब ये जो वैल्यू देगा जीरो के इक्वल देगा या जीरो से कम देगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी। हमें इस वाले टर्म को बिल्कुल फंक्शन के जैसा बनाना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें प्लस का थ्री ऐड कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वन प्लस का थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस का थ्री। अब देखिए ये हमारा क्या फंक्शन लिखा हुआ है जी एक्स, तो इसकी जगह मैंने जी एक्स लिख दिया लेस देन इक्वल टू थ्री। इस वाली लाइन को पढ़ते हैं, देखिए जी एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री का मतलब ये है कि जी एक्स की जो वैल्यू है ना इस फंक्शन की, वो थ्री हो सकती है, थ्री के इक्वल हो सकती है, थ्री से कम होगी, है ना। तो भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, थ्री हो सकती है, और कम जो ना कितनी भी हो सकती है। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू थ्री, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है भैया, कि थ्री से छोटा कुछ भी हो सकता, तो लिखेंगे नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, की कोई मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं है,